हेलो माय यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ एकदम आसान सी चिकन चंगेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके सभी सामान आपके किचन में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन चंगेजी को। चिकन चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। अब इसमें एक नींबू का रस ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/2 कप हम दही ऐड कर देंगे, ये एकदम फ्रेश दही है। दही को पहले एक छन्नी से हमने छान लिया था, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर थे वो सब मैंने निकाल दिया था। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे इसमें सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इन्हें हम 2 घंटे के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सभी मसाले जो दही इसमें हमने सब डाला है वो इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो इसे एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा जल्दी हो बनाने की तो आप 1 घंटे में भी इसे बना सकते हैं, 1 घंटे बाद भी इसे बना सकते हैं। चलिए इन्हें हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं और चिकन हमारा जो है ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। चलिए अब इन्हें हम पहले फ्राई कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1/2 कप जो है ऑयल को ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक कर चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। हम एक साइड से चिकन को अच्छे से फ्राई होने देते हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। चिकन हमारा एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, इन्हें हम दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने पलट दिया है, अब हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सभी चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैं इसे निकाल ले रही हूँ। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इनको हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ते और 1 दालचीनी की टिकली को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 4 मीडियम स्लाइस की मैंने प्याज ली थी, इन्हें मैंने कट कर लिया है अच्छे से, इनको भी डाल देते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए, इनका कलर चेंज होने लगा है। बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है, ये देखिए। अब इसमें हम
ये मैंने कुछ मसाले लिए थे, ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और ये मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। मैंने 1 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और इनको अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए मसाले ने तेल को किनारे किनारे छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप जो है घर की जो है फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये मैंने 2 टीस्पून काजू और बादाम का पाउडर लिया है, इनको इसमें हम ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो खड़े काजू को भिगोकर उसका भी पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, एकदम ऐसा ही उसका टेस्ट आएगा। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं ताकि सभी मसाले हमारे अच्छे से भून उठे, इसमें कोई भी थोड़ा सा भी कच्चापन ना रहे। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना बढ़िया चिकन चंगेजी बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसमें हम 1/2 कप जो है वाटर ऐड कर देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से हमारा गल जाए, क्योंकि चिकन जो है फ्राई करते हुए ही 60-70% गल चुका है। बस इन्हें हमें थोड़ा सा और गलाना है, तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। 8 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा चिकन चंगेजी बनकर तैयार हुआ है। इसमें खुशबू भी एकदम रेस्टोरेंट जैसी आ रही है। एक बार आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आपकी फैमिली में भी ये रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। यदि आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।